हम सब चाहते हैं और हम सब मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वांट्स नेताजीज बर्थडे टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हॉलीडे। द 23rd जनवरी शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हॉलीडे। इट्स अ जेन्युइन डिमांड। द पीपल ऑफ इंडिया द बोस फैमिली वी फुल्ली सपोर्ट दिस डिमांड। बट मोर इंपॉर्टेंटली 23rd जनवरी must be declared as Deshpreem Divas or Patriot Day. When you want to know the role of the Indian Armed Forces in the struggle for independence, you all heard of 1857. Have you heard of 1946? Do you know that in February 1946, 20,000 men of the Royal Indian Navy revolted on 78 ships? They brought down the British flag. They refused to obey the British officers. They kicked them off their ships. They went around Mumbai, Karachi, carrying portraits of Netaji, forcing any Britisher they saw to shout Jai Hind. Are you aware of this? Are you aware that in 1946, 2.5 million, 25 lakh Indian soldiers were being demobilized? That means they were being sent home without pension after having fought for the British for almost 6 years in every battlefield of the world. They had been subjected to racial slurs. My father used to tell me of boards outside the Gymkhana Club, the DSOI Club, and every bloody club in India, in Delhi, and in all your metropolitan centers which had a board. Indians and dogs, not allowed! इंडियंस भारतीय, आपको मैं इसकी अनुवाद कर देता हूं, भारतीय और कुत्ते इस क्लब में नहीं आ सकते। दीज वर द रेशियल स्लर्स विच हैड बिटन डीप डीप इनटू द सोल्स ऑफ दिस आर्मी, डीप इनटू द सोल्स ऑफ दिस नेशन। यू नो वेयर इज योर सोल, वेयर इज योर स्पिरिट, वेयर इज योर फाइटिंग स्पिरिट। डेली हमें आजादी बिना खड़ा बिना ढाल। Are you aware that the Indian National Army, as per the official history written by Captain Yadav of the INA, had a strength of 1,500 officers finally and 60,000 men? Out of this, as per the official history of the INA, 26,000 were killed! 26,000 out of 60,000. You know, people are much better at maths than me. That's why I joined the infantry. You see, 44% casualties in an army of 60,000. You call it non-violent? Bakwas mat kariye. You're talking of the rewriting of history? Main keh raha hu, bakwas mat kariye. 26,000 apna khoon de chuke hain. और आपने राज किनको दिया? किनको दिया आपने राज? आपने राज दिया उन लोगों को जिन्होंने कहा साहब हमने लाठी खाई, हमने लाठी खाई। अरे मेरी भैंस भी लाठी खाती है साहब, मेरी भैंस को भी लाठी पड़ती। आप यू वांट दैट प्रिजनर, स्पेशल प्रिजनर स्टेटस, आपको इंग्लिश लू चाहिए, एंड यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर इन योर प्रिजन। And then you want to claim the right to rule India forever and ever and ever. जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने कहा कि एटली साहब ये समझ नहीं आया कि सारे आंदोलन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके थे। जब बहुत रेजिस्टेंस नहीं था तो आपने फिर भारत को छोड़ने का मन क्यों बनाया? और क्या गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? उनके शब्द बता रहा हूं, मेरा शब्द
उन्होंने कहा गांधीज कंट्रीब्यूशन इज मिनिमल नथिंग। हमको इसलिए छोड़ के जाना पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस के चलते आर्मी और नेवी में विद्रोह हो गया था। भारत से अंग्रेज भाग के गए थे। ये वही सुभाष चंद्र बोस था जिसने 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और आजादी की घोषणा की और सब कुछ कह दिया और देश के प्रधानमंत्री भी हो गए, बैंक भी जारी कर दिया, करेंसी भी जारी कर दी। और इस देश का फ्रॉड देखिए, ये देश के लोगों को पूछना चाहिए था, प्रोफेसर को पूछना चाहिए था। एक ठीक ठाक आदमी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो 21 अक्टूबर 1943 को भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यूनाइटेड भारत का बनता है, लड़के बनता है, उसकी अपनी आर्मी होती है। 47 आते आते वो कहां चला जाता है, गायब हो जाता है। कौन ताकतें थी उसे गायब कर दिया। Exactly on the same day, 24th of August 1945, a big story broke in India that Subhash Chandra Bose had died, and there was a plane crash in now what is known Taiwan, and he has passed away. It was a big jolt because at that point in time, Subhash Chandra Bose was leading the struggle for India's freedom. Now he dies, and this news comes on 24th of August. It gets published in papers in India, some of them, that he has died 4 days back. Rather, 5 days back, 18th of August 45, there was a plane crash in which he died. Netaji Subhash Chandra Bose is supposed to have died in an air crash on 18th August 1945. That's what the official version goes. But then, यहाँ पे लोगों में ऐसा कि हम लोग भूल जाते हैं चीजों को। कुछ मायनों में अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ मायनों में अच्छी बात नहीं है वो। तो यहाँ इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री कि मतलब दो की हत्या हो गई, तीसरा का भी ऑलमोस्ट शास्त्री जी का केस है, हत्या का ही लगता है। इतना कुछ हो गया उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन ये कैसा मुद्दा है सुभाष बोस का जो जनरेशन से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे कुलीग्स ने, सीनियर्स ने सोचा कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए इस केस के ऊपर, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस केस में, तो उन्होंने मुझे उसमें लगा दिया और एक टीम बनी, उसका एक मैं बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और उस इंक्वायरी का कंक्लूजन ये निकाला गया सबने मिलकर कि प्लेन क्रैश में जो कहा जाता है उनकी मौत हुई, वो नहीं हुई थी। They said that there's no evidence of a plane crash, no record of a plane crash at Taihuku Airport on 18th August 1945. While another plane which crashed in the same airport the few days after that, that record is there. और सब जगह वो ये लिख रहे हैं कि नेताजी की अस्थियां तो जापान में पड़ी हैं, हम उनको ला सकते नहीं, क्योंकि कुछ लोग, खासकर बंगाल में कुछ लोग हैं, वो चाहते नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी फैमिली में कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम ला नहीं पाए। लेकिन अस्थियां नेताजी की हैं। तो ये गवर्नमेंट का रवैया आपको सरकारी फाइलों से नजर आएगा, विदेश मंत्रालय का खासकर। इन लोगों को जब ये बोला जाता है 2003 में कि आप DNA टेस्ट करवाओ, तो ये सरकार की फाइल में लिखा मिलता है। तो ये बोल रहे हैं, स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट ह्यू एंड क्राई, If the result is in positive, then the entire issue will be resolved. और ठीक है, अगर result positive होता है, तो आपका issue solve हो जाएगा. In case the result comes out in negative, as to the DNA result does not tally with the biological samples connected with relatives, one can imagine the reaction of the nation. कि बेटा अगर prove नहीं हुआ, तो मारे जाएंगे सारे. This is the government stand. चोर की दाढ़ी में तिनका. तुम तो छाती ठोक के बोल रहे थे ना, मट्टी उसी की है. कराओ test. Not only that, you know. The death certificate for Netaji. Netaji, when he died, there must have been a death certificate. That death certificate was not issued in the name of Subhash Chandra Bose. It was issued in the name of a person called Ichiro Okura. And who was Ichiro Okura? He was a Japanese soldier who had committed suicide. So going by this theory, Subhash Chandra Bose actually was a Japanese soldier who committed suicide. That's the official version. Isn't it amazing? ये होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों ने, बाकी मेरे कोलीग्स ने काम छोड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बाद अनसेटल हो गया। मुझे लगा यार बड़ा बुरा लगा कि यार इतना देश के लिए इतना उन्होंने काम किया, उस आदमी ने, उसकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए, और वो अगर प्लेन क्रैश में नहीं मरा। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में एक ही थ्योरी निकल के आती थी कि जो हम सुनते आए थे बचपन से कि साहब वो तो रूस में थे, उनको रूस में मार दिया, रूस में कई साइबेरिया में उनको रखा गया था प्रिजन्स में, ये बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं सब लोग बचपन से। तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा कांटेक्ट हुआ
जिसका नाता एक ऐसे व्यक्ति के साथ में था जो सरकार में बहुत ऊंची पोजीशन में था और उसने फाइलें पढ़ी हुई थी। वहां पे उन्होंने, वहां से मुझे इंफॉर्मेशन, जैसे फिल्मी अंदाज में फिल्म इंफॉर्मेशन आई कि ये दिस इज इंडियाज बेस्ट कैप्ट सीक्रेट, ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। तो जब इतनी बातें, तीन चार बातें पता लगी, वो तो खैर ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं थी कि हमको भी कंक्लूजन हमने निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985, कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985। वहाँ सुन के मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बात हो गई, जिस आदमी को हम लोग सन 45, 46, 50, 55 में मरा हुआ समझ रहे थे, ये 85 में कैसे आ गया। तो समझ में नहीं आया ये क्या बोला जा रहा था, मैं तो नहीं बोल गई। But what is truly ironic is that while we call Mahatma Gandhi the father of our nation, the truth about the life of that person who first called Mahatma Gandhi the father of the nation is still in the dark. तो सरकार ने क्या किया कि मोदी जी गवर्नमेंट ने फाइलें पब्लिक करी हैं लेकिन सारी नहीं करी हैं। और अभी जो स्टेटमेंट आ रही है, सरकार की स्टेटमेंट अभी इन्होंने पार्लियामेंट में दी है और जो मेरे ख्याल से झूठ है, और अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मैं उन पे मोशन लगाया था कि जब सवाल पूछा जाता है कि नेताजी से जुड़ी फाइलें आपने पब्लिक करी हैं, तो सरकार कहती है हाँ हमने पब्लिक कर दी हैं। नहीं, आपने सारी फाइल पब्लिक नहीं करी है, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइलें आप पहले निकालेंगे। आज तक एक भी इंटेलिजेंस की फाइल उन्होंने पब्लिक नहीं करी है, ये सिर्फ पीएमओ के और एमएचए के कागज वागज उन्होंने दिए हैं। तो वो पूरे ढंग से काम, तो ये काम तो हुआ, अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा हुआ, मोदी जी ने बड़ी इज्जत दी हमारे प्रधानमंत्री ने, फाइल निकाली, निकालने का तरीका बड़ा अच्छा था, लेकिन वो पूरा जो प्रकरण हुआ वो हम सक्सेसफुल नहीं हुआ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ मूवमेंट फॉर ट्रुथ, अ मूवमेंट व्हिच हैज बीन प्रीटी सक्सेसफुल टिल नाउ बट स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव व्हाट इट रियली इंटेंडेड टू अचीव। This is the movement for declassification of files of Netaji Subhash Chandra Bose. 2010 में डिसीजन हुआ कि फाइल कुछ हम देंगे, 12 में भेजी है, वो 14 में जाके अवेलेबल हुई जब मोदी जी पावर में आ गए। तो जब फाइल पब्लिक नेशनल आर्काइव में अवेलेबल हो गई रिसर्चर्स को, मैं वहां पे देखने गया उसको, और मैंने वहां जाके देखा कि फाइलों से निकल के आया कि गलती से कुछ ऐसे कागज उन फाइलों में आ गए जो उनको गवर्नमेंट को पब्लिक नहीं करने चाहिए थे। और वो थी इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड थे, वो ये दिखा रहे थे कि नेताजी के परिवार और बाकी लोगों पे इंडिपेंडेंस के बाद जासूसी होती थी बड़ी जबरदस्त। और लेकिन जब ये फाइल बाहर निकली हैं तो सारे लोगों ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मीडिया में खुद टॉप के लेवल के लोग, या मीडिया खुद, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब ने एक ही कंक्लूजन निकाला, और परिवार के लोगों ने पब्लिकली बोला कि सुभाष बोस जिंदा थे, क्योंकि मरे हुए लोगों में जासूसी नहीं होती। लेकिन उसी परिवार के लोगों को थोड़ी देर बाद में ये उनका दिमाग ठनका कि हम तो पब्लिकली ये बोलते हैं कि नेताजी को रूस में मार दिया गया था, लेकिन अगर ये फाइलें सन 70 की आ रही हैं और हमने खुद बोल दिया कि 84 तक जासूसी हो रही थी हमारे परिवार की, तब तो प्लेन रशिया में मरने वाली बात ठीक नहीं हो सकती। तो उनको कहीं ये खटका लगा कि ये सारा केस घूम फिर के फैजाबाद पे आ रहा है, कि अगर उनके मरने के 20 साल बाद तक जासूसी हो रही है तो रशिया में मरने वाली कहानी ठीक नहीं हो सकती। तब इनकी फैमिली ने एक रातों रात पलटा इन्होंने मारा है। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भर तक प्लेन क्रैश की थ्योरी को पोस्ट करते थे, आज वो सारे के सारे एक झटका उन्होंने मार के सपोर्ट स्टार्ट कर दिया प्लेन क्रैश को, क्योंकि उनको फैजाबाद को एडमिट नहीं करना, उनको लगता है कि उसमें उनकी बहुत किरकिरी होने वाली है। वी डोंट बिहेव एंड वी डोंट विल ऑपरेट इन अ वैक्यूम। Now, for the last 50-60 years, I mean, as far as I can recall, you know, the last 56 years after we became quit, you know, free, this is the view which is being thrust down our gullets, collective gullets of ours, that India became free because of the Ahimsa. Gandhiji was the leader of that. Now that in last 10-15 years, we have been able to garner a lot of data to show that story is not true. Suddenly people are saying, why are you saying that Netaji was the one person who brought us freedom? Bab, you for last 50 years, you have been, you know, singing the song of Dedi Hama Jadi Bina Khalak Bina Dhal. You did not think of Netaji in those days. Now that we are turning tables on you, you are suddenly saying, you know, you must include Gandhiji also.
you did not include Subhash Bose all these years. So we have to be mindful of, you know, that environment we are, you know, operating. So the last 50-60 years, injustice has gone about. Netaji's name has been silent. And in his place, they have given undue, you know, importance to Mahatma Gandhi. And not just Subhash Bose, they have removed everybody else's name. हमारा आज की बात करें, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप गूगल पे उसके यूट्यूब में टाइप कीजिए, वो कह रहा है कि हम लोग आप गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। जिस देश का रक्षा मंत्री गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रहा है, मेरे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पे है बड़ी जबरदस्त। कि गांधी जी ने क्या बोला था फौज के बारे में कि फौज को डिसबैंड करो, क्या बोला था उन्होंने कश्मीर के बारे में कि भारत पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ेगा। उन्होंने साफ बोला कि अहिंसा की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एटम बम फेल जाएगा उसके सामने। सुबह शाम आप बच्चों को बरकला रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे चलो, अगर बच्चे अगर गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो फौज में कौन जाएगा। तो मैं सवाल ये उठता है कि इस इशू के निकलने से इतना बवाल मच सकता है 2015 में कि पहले पन्ने में आ जाएगा, प्राइम टाइम पे डिबेट होगी, दुनिया भर में लोग देखेंगे। भगवान न करे कल को प्रधानमंत्री मोदी रात को टेलीकास्ट करके बोल देता है कि वो नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो जिंदा थे बाद में। अब फैजाबाद को छोड़ दो, अगर वो रूस वाली बात भी बोल देगा, आपको मालूम है उसका असर क्या होगा देश के अंदर, कितना तगड़ा बवाल मचेगा इसको लेकर। तो छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये कोई जसे का लाल नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस है। बवाल मच जाएगा देश के अंदर बड़ा जबरदस्त। तो जब बवाल मचेगा तो बात घूम फिर के, फिर सारी स्पॉटलाइट होगी नेताजी की पूरी लाइफ, फिर बात घूम फिर के आएगी कि यार देश को आजाद तो करवाया सुभाष बोस ने, और सारा का सारा इन्होंने सेहरा बांध दिया गांधी जी के सर पर। तो वहां लोग को गुस्सा आएगा, अब लोग कहेंगे नहीं इसको ठीक करो। January 23rd should be declared as a national holiday. This is the movement for declassification of files of Netaji Subhash Chandra Bose. साल हमारा निवेदन है इस सरकार को कि नेताजी का स्टैचू राजपथ पे लगाइए। हमको इसलिए छोड़ के जाना पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस के चलते आर्मी और नेवी में विद्रोह हो गया। Point that he did not die and he was probably alive and he was. The government of India has not been able to, you know, I don't know, they are not doing to find out the truth about Subhash Bose.